जल्दी लो जूस 30 वाला। लिया? क्या लिया? वो भी ओरियो और डेजी। ये पता नहीं कितने का है? 80 का है। आप मैं आज पैसे नहीं लेकर आई, कम वाला लो। ये डेयरी मिल्क तो घर दे रही हूँ ना बड़े, तुम पैसे कहाँ लेकर आती हो? लो परा गली, चलो चलो बाहर निकलो। अदा 60 दिनों मामा ना ये ना है क्या था ना पर्स और क्या लिया है? आपको कौन सी है? मेरे पास दानदार है, लिप्टन है और मिक्सचर सस्ती वाली बोलती है। मिक्सचर दिखाइए आप जरा। छोटा पैकेट चाहिए बड़ा पैकेट चाहिए? छोटा पैकेट चाहिए। छोटा पैकेट छोटा पैकेट कितने की दोस्त? तो ये है प्राइस 95 रुपीज़। अच्छा इससे भी सस्ती वाली है कोई? नहीं सर अभी मेरे पास यही कम रेट में ही रखी है। नहीं यार ऑल पर्स नहीं चलेगा। ये कौन सा है? सेम ही है, सेम प्रोडक्ट है। लेकिन नेस्विटा है हमारे पास। नेस्विटा नहीं तो फिर ऐसा अच्छी वाली की यार पैंपर दे देना। पैंपर कौन सा साइज चाहिए आपको? ये 4 साल का बच्चा है। ये 4 साइज वाला ले जाओ। बड़े में चाहिए ना? हाँ। और दूध कौन सा भरा? ऑलपर्स मिल टाइक मम्मी मेरी ओन मिल जाएगा उसके मतलब ऑलपर ही मिल जाएगा। मतलब 1 लीटर? नहीं 1.5 लीटर। 1.5 लीटर वाला सर अभी मेरे पास 1.5 लीटर वाला ख़त्म हो गया तो 1 लीटर वाला चल जाएगा। और वो मक्खन? मक्खन कौन सा? लो भाई यार नूरपुर की सर असल में मार्केटिंग वगैरह कम है, सप्लाई नहीं होती है, बहुत कम होती है सप्लाई। और कुछ चाहिए? थोड़ा सा सामान चाहिए था, बड़ा कोल्ड ड्रिंक पैकेट। कौन सा साइज चाहिए? मीडियम में? लार्ज। लार्ज इसके अलावा? दो सूप, सूप उठा दो लक्स बड़े बड़े। और बोले एक मक्खन और ये चाहिए यार। कॉपी और स्केल और पेंसिल चाहिए। स्टेशनरी चाहिए आपको? क्या चाहिए उसमें स्टेशनरी में आपको? पेंसिल, स्केल और एक कॉपी। कॉपी चाहिए ओके। और बोला नहीं यार देखो देखो मैं क्या बताऊँ, घर पे 2 पैसे देकर अच्छी चीज ले जाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा जिस चीज़ पे भरोसा नहीं बीच में एकदम लेकर आते हो वो भी बेकार निकला। बेहतर ये कि जो चीज आजमाई हुई है जो तो अब आप क्या करेंगे? नहीं उसने बताया मुझे दूसरी दुकान पे आगे मिल जाएगा। करीब है और दूसरा ये कि मिल जाएगी इनके पास रात में कोई चीज़ चाहिए इधर ही आ जाते हैं। मतलब ये आप रात में देर तक भी रहती है इसलिए आप इसको करते हैं? जी जी देर तक भी रहती है तो घर के करीब हर चीज़ मिल जाती है। फैमिली के लिए कुछ भी चाहिए, थोड़ी चीज़ चाहिए, चाय वगैरह ऑल पर दी आपने क्यों? अच्छा है, टेस्ट वगैरह अच्छा है और प्राइस वगैरह भी इसके अच्छे हैं। इसके अलावा आपने कोई और ट्राई किया? ट्राई किया
समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने क्या किया, क्या क्या लिया? राइटर की मामूल है, मुझे कहना है मुझे पहले यही से आपने क्या लिया? हमारे करीब दुकान यही है, इससे अच्छे पास पास। अच्छा, और साथ भी लिख देना पैसे ना हो। अच्छा, उधार तो ये आप पेपर किसके लिए? बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं आप? बच्चे और ये डबल रोटी में देख लो मक्खन है। हाँ, ये इसके पास डबल रोटी डॉन की नहीं होती, यही ले लेंगे। तो आप तो कि मुझे देखने से लग रहा है कि फैमिली छोटी है। फैमिली बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। अच्छा, इसके पास नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि आपकी दो तीन लोगों की, मतलब आप डेली तो मांगते हैं इसको, बस पार्टी के लिए आपकी कोई और फैमिली टैक्सी में रहता है? ये अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, एनर्जी आती है, बस दिल लगा रहता है। किसी को पेप्सी को मतलब किसी दुकान से कोई अच्छी होती है, इम्पोर्टेड होती है, अच्छे कस्टमर अच्छा करीब भी है तो अभी मैंने देखा ग्रोसरी खरीदी है, तो आपने क्या क्या लिए थोड़ा बता दूँ यहाँ से? तो ये सबका मीडियम हो गया है कि तकरीबन तमाम आइटम यहाँ पे मिल जाते हैं, और कंपेयर करें दूसरी बड़ी मार्केटों से तो वैल्यू है आपकी नज़र में, और आप क्या समझते हैं? पहले तो आप पहले ये मुझे लोकेशन वाइज बता दें। लोकेशन वाइज ये कहा जा सकता है कि आसपास तो इसके कोई शॉप नहीं है, सही है, ये हमारी बेहतरीन कोई लोकेशन है। ये मतलब ये शॉप खोलने का, ग्रॉसरी शॉप या जनरल स्टोर खोलने का, ये मतलब यहाँ पे मेरा बेनिफिट है कि आसपास में कोई है नहीं, और ये मेरे ये ऊपर जो बिल्डिंग है उसके गेट से लगती है, गेट वाली शॉप हमेशा अच्छी चलती है, मतलब उसकी रनिंग ज़्यादा होती है। और कितने कस्टमर ऐसे हैं जो कि मंथली आपसे ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि आते हैं और डेली रूटीन के, मतलब जैसे जो अंडा डबल रोटी ले रहे हैं, तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब हमारा जो ये हमारी शॉप है वो ग्रॉसरी मतलब मंथली वाला तो रहा नहीं है आजकल, क्योंकि मार्ट्स का ज़माना आ गया है, हर कोई मार्ट्स पर जाना प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पर उसको वैरायटी ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये टॉफी देंगे, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे मार्स में फ्लेवर्स होते हैं, हम लोग इतना आइटम उनको प्रेफर नहीं कर सकते। ये शॉप की टाइमिंग क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग? शॉप की टाइमिंग एक तो सामने हॉस्पिटल है, तो इसकी वजह से हम अगर शॉप को जितना जल्दी खोलते हैं तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जैसे हमारी वैसे यहाँ पर काफ़ी नियर बाय में स्कूल्स भी हैं, तो उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। और हमारी शॉप की टाइमिंग है 7 AM स्टार्ट होती है वहाँ से, और रात को 1 AM तक क्लोज। कस्टमर ज़्यादा आते हैं ऐसा लेट नाइट पे जो आपसे लेट चीज़ें लेकर आते हैं, 1 बजे तक की लेट है? सैटरडे को जो है ना आप ज़्यादा वर्किंग में, मतलब आप क्योंकि सैटरडे जो है लोगों की आउटिंग ज़्यादा होती है, मतलब लोग लेट नाइट आते हैं, मतलब किसी का नाश्ता रह जाता है, फिर उनको मॉर्निंग में लेट उठना होता है, नेक्स्ट डे संडे होता है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकलते नहीं है, मतलब रात को ही वो चीज़ें लेकर। तो मोस्टली कौन से वो कस्टमर आते हैं, लाइक कि कोई यंग जो लड़के आ रहे हैं कि वो कोई पार्टी बनाने के लिए अपने कोल्ड ड्रिंक और ये चिप्स वगैरह? मतलब वो आपको कहा जा सकता है, मतलब मल्टी। अच्छा, ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है यहाँ पे ओकेजन वाइज? ओकेजन वाइज सर आप अगर मेरी ग्रॉसरी और जनरल आइटम्स के हवाले से कहा जा सकता है तो आप रमज़ान को ले लें। रमज़ान में बनते हैं, मतलब जो पैकेजेस बनते हैं जो गरीबों में बांटे जाते हैं, मतलब वो हम लोग डिफरेंट पैकेजेस बनाते हैं, 1000, 2000, 4000,
और उनकी हम लोग लिस्ट बाकायदा बनाते हैं। पर मतलब हमसे कस्टमर आता है, मतलब आप पूछते हैं कि आपको कोई रमज़ान पैकेज है, तो हम लोग उनके सामने ये लिस्ट रख देते हैं, सेलेक्ट करते हैं एड्रेस करके, फिर मतलब वो हम उनको प्रेफर करते हैं। कस्टमर आते हैं जो कि ब्रांड लॉयल होते हैं, लाइक कि अगर कोई एक चीज़ वो लेने आए एक ब्रांड की पर्टिकुलर चीज़, अगर मैं यदि शैम्पू पर बात करूँ कि वो अगर आपके पास पैंटीन लेने आए हैं और आपके पास पैंटीन नहीं है तो वो हेड एंड शोल्डर लेके जाते हैं, या पैंटीन नहीं होता तो किसी और दुकान चले जाते हैं। ऐसे कितने मतलब ऐसे कस्टमर मतलब काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि हर शैम्पू की जो वैरायटी है उसमें अल्टरनेट तो निकाला ही निकाला है। जैसे आप पैंटीन का हेयर फॉल ले लें तो आपको हेड एंड शोल्डर में भी हेयर फॉल मिल जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा मतलब डेली रूटीन वाले हो तो हम लोग अगर उनको प्रेफर करते तो वो ले भी जाते हैं, अगर हमारे कहने पर, सही है। और अगर उनको मतलब वो नहीं यूज करते तो वो नहीं लेकर जाते। अच्छा, आखिरी सवाल में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट आपने यहाँ पे रखी है, तो मुझे आप ये बता देते आपने ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों रखी? ये बेसिकली जो है ये प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग जो यूज करते हैं, वैसे ये हैंगिंग प्रोडक्ट्स है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंग हुआ है ना, सही है। मतलब ये एक पीस जो है यहाँ पे हैंग नहीं हो सकता, तभी हम लोग जो लूज में कोई कस्टमर आता तो यहाँ से इजीली हम लोग उनको दे देते हैं। हाँ मतलब दिख जाए तो ज्यादा है ना, हाँ मतलब दिख जाए तो फिर और भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। बस ये दुकान में कौन कौन सी शॉप जो है, इसमें कौन कौन सी कितनी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है? मतलब हम लोग ने नॉर्मली चीजें हैं जो मतलब डेली यूज के लिए, हम लोग जैसे ब्रेड हो गई, एग्स हो गए, बटर हो गया, शैम्पू वगैरह, मतलब ये नॉर्मली चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो डेली यूज पे होती है हमारे, वो चीज़ें रखी हुई हमने। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सालों में चले है या ऐसे डेली डेली रूटीन वाली चीज़ें रखी हुई हमने। आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं? मेरे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि आपका शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, दूध हो गया, चाय में डालने का दूध हो गया, पत्ती हो गई, हर किस्म की जो मेरे पास फजूल की एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर की यूज होती हैं और घर में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बिकती है बच्चों के दूध बिकते हैं, नीडो हो गया, एवरीडे हो गया, आपके ये शैम्पूज हो गए और आपकी पत्ती हो गई, दूध हो गए, लिक्विड दूध हो गए, बच्चों के लंच वगैरह होते हैं ये सब चीज़ कटिंग ज़्यादा है, पैम्पर्स हो गए। ठीक है, मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं वो मेरे पास गिनती के हैं 15-16 जो बल्क में सामान उठाते हैं, यानी कि जैसे कि उनकी महीने की सेल मेरे हिसाब से ऐसे कि 25-30,000 रुपये की ट्रॉली मेरी जाती है। ओपन टाइमिंग इसकी सुबह 10:00 है और क्लोजिंग टाइम इसकी 12:00। टाइमिंग की वजह से ही कस्टमर आता है, अगर मैं चाहूँ तो सुबह 7 भी खोल लूँ, क्योंकि बच्चों का लंच वगैरह सुबह कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं कि हम ले लें सुबह ही ले लेंगे, ये आदत हमने ख़राब नहीं करी थी इसकी, जो एक वो परफ्यूम की दुकान के ला दीजिए। अगर मैं 7 दुकान खोल दूंगा ना तो बोलेंगे सुबह परफ्यूम की दुकान खुली हुई है, एक मार्ट है उसका एक स्टैंडर्ड अलग होता है और दुकानों का स्टैंडर्ड अलग होता है। नेट के हवाले से ज़्यादा ब्रेड हो गई हमारी, हमारे लेस चिप्स कर्लीज वगैरह ये जो होते हैं, पेप्सी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें बिकती हैं। सेल्फ रेट का जो आप कह रहे हैं, सेल्फ रेट जो ऐसा होता है कि जैसे कि नस्ते वाले ने मुझे बुक नस्ते वाले ने वो शेल्फ खरीद दी है 4,000 रुपये, तो यानी कि उस पूरे रैक के अंदर नस्ते का ही मार्केट। इसके अलावा अगर कोई नस्ते वाला आता है वो देखता है कि नस्ते के अलावा या कोई चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है, कोई भी एक आइटम हमने रख दिया तो वो उस चीज़ के पैसे कट जाते। अब जैसे कि मैं अपना बोर्ड रेडी करवा रहा था, जैसे मेरे मार्ट का बोर्ड है तो मेरे पास पेप्सी वाला आया, सबरोसो वाला आया, नेस्ले वाला आया, केनन्स वाला आया, यूनिलीवर वाला आया, पीएनजी वाला आया, सारे आए, उन्होंने आप हमारे इसका बोर्ड रख लें, हम आपको इसका रेंट देंगे। अब जैसे कि मुझे पेप्सी का रेंट अच्छा लगा, ऑफर जो प्रमोशन देते हैं वो सिर्फ कंपनी की तरफ से आती है। आपने शेयर पेंट का मुझसे पूछा तो मैंने शेयर पेंट का आपको बता दिया, आपको सीक्वेंस से बता देता हूँ। मुहर्रम में जो आता है सिर्फ मसाले, चावल, छोले, रबी अव्वल पे यही होता है, मीठा लजीजा खीर वाले आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है एक्सेट्रा, कोई भी यानी कि रबी अव्वल में इवन आइसक्रीम तक भी बिकती है ज़्यादा रबी अव्वल। के बाद आप ईद पे आ जाएं, रमज़ानों में आपके ये फ्रूट चाट की क्रीम जो होती है नेस्ले वगैरह की। फिर कुछ कस्टमर होते हैं जैसे कि जो हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, अब वो हेड एंड शोल्डर ही यूज़ करता है, इसके अलावा उसको पता है कि अगर मैं हेड एंड शोल्डर यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे बाल में डैंड्रफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी,
बस बहाने करेगा, उसके सामने मैं बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा शैम्पू भी रखूँगा ना, तो फिर भी वो हैंड एंड शोल्डर ही यूज़ करेगा। तो ये होता है कि नहीं किसी और शॉप से ले लेते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ ऑयल की मिसाल दे देता हूँ। अब एक बंदा ईवा यूज़ करता है और दूसरा बंदा डाटा यूज़ करता है। अब मेरे पास कभी ईवा शॉर्ट हो जाता है या डाटा शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि ईवा शॉर्ट हो गया मेरे पास ट्राली आई, ईवा नहीं है, ईवा तो शॉर्ट हुआ अभी नहीं आएगा। चले मैं उसके आगे डाल्टा रख दूँगा, तलो रख दूँगा, हबीब रख दूँगा, किसान रख दूँगा, मौलवी रख दूँगा, मिजान रख दूँगा, नहीं लेगा वो किसी और शॉप से जाके ले लेगा। टेस्ट की बात है, अपना टेस्ट नहीं चेंज कर सकते। अब कुछ एक बंदा है कुछ ऐसा है जो ट्रॉली पे आता है, उसको मिजान चाहिए, मेरे पास मिजान है ही तलो है, वो देखते हैं कि स्कीम इस पर अच्छी है, रेट इसके अच्छे हैं, यूज़ कर लेता है। फिर वो अगली दफ़ा में मेरे पास आता है, यार आपने तलो दिया था बहुत अच्छा ऑयल था अच्छा लगा, उस टाइम तलो शॉर्ट हो गया तो मैं उसको किसान दे देता हूँ, किसान ले जाता है। कस्टमर या कम्युनिटी चलती रहती है। कुछ बोलते हैं ना खुर्राट जिसको बोलते हैं, कुछ खुर्राट कस्टमर होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, हर चीज़ को एक गाँव में और एक लकीर में लेके चलना। कुछ ऐसे कस्टमर भी आप बता रहे हैं आपके बता सजेशन पे ले लें, और हर दफ़ा अगर आप कोई नई सजेशन दें तो वो उसको भी ट्राई करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपके साथ।